जय पंच परमेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादशो अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, इतने ही पंडित जन जो तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप रूप में कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप से ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करता कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सद्गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। वह यह कहा जाता है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र के कहे गए हैं, क्योंकि तू मुझे से भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अनुष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पाँचवा हेतु देव हैं। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अर्थात विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिया प्राण मान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप में बचता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की ही कर्म प्रेरणा है, और कर्ताकरण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद में तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग सहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विहित नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है।
परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार से वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने पर और न होने पर हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला तथा लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला शुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों को जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता के विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ जिस अभिविचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों को क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। परंतु हे व्रता पुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्नतता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ अब तीन प्रकार के सुख को तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुख का अंत हो को प्राप्त होता है जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्म को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में तथा देवताओं में तथा उनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जा गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना इंद्रियों का दमन करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से शुद्ध रहना दूसरों को अपराधों को क्षमा करना मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। सूरवीर तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में न भागना दान देना और स्वभाव ये सब के सब ही क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गोपाल पालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों को सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन।
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के और अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण करते हुए दूसरे के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वर्थ आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैमित्तिक सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैमित्तिक सिद्धि को जिस जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादिक विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, जिस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ तथा जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला होगा, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त कष्टों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी मैंने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही मेरे के शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया है। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों में अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तो फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए
और न ही भक्ति सहित से और न बिना सुनने की इच्छा रखने वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि दे रखता है उससे भी कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्त में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से यज्ञ पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्र से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः श्रवण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप में भी पुनः पुनः श्रवण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी श्री अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता अष्टोदशो अध्याय तत्सत। यदि मेरे द्वारा पढ़ी गई संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों को सुनने में अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेरे सभी प्रिय जुड़े हुए प्रियजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।